आज आपको बताएंगे टॉप 3 इलेक्ट्रिक स्कूटी 2022 में कौन सी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली स्कूटी है ओला S1 Pro। ओला की जो टॉप स्पीड है बिजली का 115 किलोमीटर पर आवर है। एक बार इसको चार्ज करने में 135 किलोमीटर की तकरीबन चलती है और ये फुल चार्ज आपके 6.5 घंटे के अंदर हो जाती है, जो अप्रॉक्स 6.5 घंटे के आसपास लगता है। बिजली इसका जो वेट है वो 125 किलोग्राम है और ये 10 कलर में मिल जाती है, अवेलेबल है आपको मार्केट। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। ये अगर ओला की अगर आप S1 Pro लेते हैं तो इसकी मार्केट जो प्राइस है वो आपका 1,29,999 की पड़ेगी आपको। हमारी जो दूसरी स्कूटी है एथर 450X, एथर स्कूटी की टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और ये 85 किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज होने पे, और इसको फुल चार्ज होने में 5 घंटे 45 मिनट करीब लगता है चार्ज होने में, फुल चार्ज होने में। इसका जो वेट है वो 108 किलोग्राम है और ये 3 कलर में अवेलेबल है मार्केट में। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। ये 1,50,651 रुपये की ऑन रोड पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं तीसरी स्कूटी की, जो कि TVS की है IQ। TVS की जो टॉप स्पीड है वो 78 किलोमीटर पर आवर है और इसका 75 किलोमीटर ये बिजली एक बार चार्ज होने पर चलती है और इसको फुल चार्ज होने में ये 5 घंटे करीब लग जाते हैं आपको बिजली। अब बात करते हैं इसकी वेट की, जो कि 118 किलोग्राम की है और ये एक कलर में ही अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, जो कि मार्केट में ऑन रोड इसकी जो प्राइस है 1,07,938 रुपये करीब अप्रॉक्स इसका है। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।